नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछु मु स्मृतिलग्ना देखिबा हेडलाइंस कहु कहु सत कहिदेले गणशिक्षा मंत्री राज्य में नारी सुरक्षा को नहीं समीर दास का विस्फोरक बयान कहिले नारी सुरक्षा रे ओडिसा पछरे अन्य राज्य तुलना रे आम राज्य पछुआ विश्वर सबुठ बड़ टीकाकरण कार्यक्रम शुभारंभ कले प्रधानमंत्री मोदी प्रथम पर्याय समस्त को मागणा टीका टीका नेले भी मास्क एवं सामाजिक दूरता मानि चलने को परामर्श राज्य में भी आरंभ है टीकाकरण राजधानी में प्रथम व्यक्ति भाव टीका ने सफेई कर्मचारी प्रथम दफार 192,000 स्वास्थ्यकर्मी 161 केन्द्र में दि जा टीका टीकाकरण नहीं फीडबैक नेले मुख्यमंत्री प्रथम टीका नहीं सफे कर्मचारी कथा नवीन लोड़े डाक्तर और स्वास्थ्यकर्मी सहयोग कहिले कोरोना योद्धा त्याग भूली पार आज देशवासी खुशी दिन बोली कहले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान टीका प्रदान व्यवस्था समस्त गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही विश्व को कोरोना टीका प्रदान में भारत अग्रणी भूमिका ग्रहण कर नयागढ़ में हाथी उपद्रव बाणीगुच्छा पश्चिम बनांचल अधीन बुगुड़ा कॉलोनी गांव में दंता आतंक फसल नष्ट घर द्वार भांगिला हाथी एवं खेल है काल प्लास्टिक खेलना गिली 4 वर्षर शिशुपुत्र मृत केन्दुझर आनंदपुर अर्जुन बनिया गांव आसला अभावन घटना संपूर्ण खबर को आसवा कहु कहु सत कहीदे गणशिक्षा मंत्री राज्य में नारी सुरक्षा को नहीं विस्फोरक बयान देखते मंत्री समीर दास से कहते नारी सुरक्षा रे ओडिशा पछरे अन्य राज्य तुलन में आम राज्य सबुठ पछुआ रही समीर दास प्रतिक्रिया एवं चर्चार विषय पलटि एवं राज्य में दिनकू दिन नारी निर्यातना दुष्कर्म भटना बढ़वे लगी कि न्याय देवे विफल होती राज्य सरकार तार उदाहरण हो कुंदुली बेबिना एवं परिभली प्रसंग अभियुक्त को गिरफ बदल एठारे सुरक्षा दिया जाउछि जहाँ को आज निज दल मंत्री निज मुहारे स्वीकार करिछन्ति किंतु कहते आम तो सबुतरे पचरे आम नारी निर्यातना क्षेत्र में आगे अन्य सब प्रगति हिसाब से पचरे ओडिशावार मान्यवर विरोधी दल पाखे यही कथा हो पाए कि भारत वर्ष कथा जो पर्यालोचना कै जदि नारी सुरक्षा कथ जदि पड़ो तो समग्र भारत वर्षर जिते बड़े घटना स्टाटिस्टिक निजाशा तार बहुत पचरे अच्छी महामारी विरोध रे महालड़ई इतिहास रचिला भारत आज सारा देश में आरंभ है कोरोना टीकाकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे यार शुभारंभ कर सारा देश एवं केन्द्र शासित अंचल रे प्राय 3000 टी केन्द्र रे कोविड टीका दिया जाउछि प्रत्येक केन्द्र रे सर्वाधिक 100 जन को कोविड 19 वैक्सीन दिया जिवो टीकाकरण रे शुभारंभ करी प्रधानमंत्री टीका प्रस्तुतकारी को प्रशंसा करिछन्ति से कहिछन्ति देश रे दुई प्रकार रो टीका प्रस्तुत करा जाइछि जे माने टीका प्रस्तुत करिछन्ति से माने प्रथमे टीका नेबे टीका प्रस्तुतकारी प्रथम टीका नेबा पई हकदार प्रथम पर्यायर 3 कोटी लोक टीका दिजिव प्रथम पर्यायर समस्ते मागणा टीका ने स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मी को अग्राधिकार मिल भारत में टीकाकरण सारा विश्व में बृहत्तम विश्व में केवे कौन सीठे एभली टीकाकरण हो ना विश्व में 100 टी देशर लोकों संख्या 3 कोटी कम भारत में प्रथम पर्यायर 3 कोटी टीका देवार व्यवस्था हो भारत विराट देश हो भी टीका प्रस्तुत कर सामर्थ्य देखाई प्रथम पर्यायर सारा देश में 1 कोटी स्वास्थ्यकर्मी एवं 2 कोटी कोरोना योद्धा को टीका दिया जाए मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार है चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है जैसे हमारे सुरक्षा बल हो गए पुलिसकर्मी हो गए फायर ब्रिगेड के लोग हो गए सफाई कर्मचारी हो गए इन सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी
और मैंने जैसा पहले भी कहा है, इनकी संख्या करीब करीब 3 करोड़ होती है। इन सभी के वैक्सीनेशन का खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा। साथियों, इस टीकाकरण अभियान की पुख्ता तैयारियों के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश के कोने कोने में ट्रायल्स किए गए हैं, ड्राई रन्स हुए हैं। विशेष तौर पर बनाए गए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रैकिंग तक की व्यवस्था है। आपको पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी, इसकी जानकारी भी आपके फोन पर दी जाएगी। और मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। 1 डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना। देशर प्रथम टीका नेइछंती दिल्ली एम्स रो जने सफाई कर्मचारी, जेतेबेले कि केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन दिल्ली एम्स निर्देशक डाक्टर रणदीप गुलेरिया उपस्थित रहिथिले। केवल एतिके नुहे, एहा परे एम्स निर्देशक टीका नेइथिले। कोरोना को नेइ लोकंक भितरे थिबा संदेह दूर करिछंती केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री। दिल्ली एम्स निर्देशक टीका लगाइबा द्वारा लोकंक मनरे थिबा संदेह दूर हेबो, ता सहित एक सकारात्मक वार्ता मध्ये जीव बोली कहा जायछि। इस अवसर पर सभी देशवासियों को, कोविड वॉरियर्स को, कोविड वॉरियर्स के परिवारजनों को, सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों ने जिस प्रकार से कोविड वॉरियर के रूप में पूरे साल ग्राउंड जीरो पर रहकर सब प्रकार के खतरों को मोल लेकर देशवासियों को सचेत किया, सही जानकारियां दी, उसी प्रकार से अब फिर जब बहुत सारे स्वार्थी तत्व भारत में तरह तरह की अफवाहें फैलाकर गलत फहमियां पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, आप सच्चाई, सच्ची खबर देशवासियों के साथ शेयर करेंगे, उनको सही जानकारी देंगे, सही नॉलेज देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इस प्रयास से भारत को आने वाले समय में कोविड के खिलाफ भी भारी सफलता मिलेगी। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। राज्य में आरंभ है टीकाकरण। प्रथम दफार राज्य में 161 केन्द्र में टीकाकरण आरंभ हो। राजधानी में 6 केन्द्र में टीकाकरण आरंभ होता बेले कैपिटल हॉस्पिटल में जड़े सफाई कर्मचारी को प्रथम टीका प्रदान करवे। कैपिटल हॉस्पिटल निर्देशक डॉक्टर लक्ष्मीधर साहू टीका नहीं, टीका नेबा से संपूर्ण सुस्थ। अंपटे टीकार कौन पार्श्व प्रतिक्रिया ना, तेणु डरबार आवश्यकता ना स्वास्थ्य विभाग सचिव प्रदीप्त महापात्र। सब मेडिकल रो सीनियर डाक्तर माने टीका नहीं अन्य मानकर मनोबल वृद्धि कराइबे बोली से कहिसेंती। देखंतु ये तो 16 तारीख सारा भारत रे हमर टीकाकरण आरंभ हैची, आ हम भुवनेश्वर रे 6टा सेंटर रे होची, जेमिति कि कैपिटल हॉस्पिटल, यूनिट 4, एम्स, किम्स और सम हॉस्पिटल आ बीएमसी 6 जगार आम आज हबार अच्छी। आमर ये 100 जन को आम धार्य रखीचु, तेणु आम 200 जन को निमंत्रण करूँ, से हे तो 100 जन भी आसवे, तेणु 100 जन को आम निर्दिष्ट भाव आज टीकाकरण करूँ। आप जानते आगे गोटे ड्राई रन होता, से ड्राई रन अनुसार आम से जमी करूँ सेटार आज प्रकृत रूप से आम करूँ। से मैंने अपेक्षा करेंगे, ना पंजीकरण आम परीक्षा करूँ, से ठीक लोक कि नुहतर सब ठीक ठाक अच्छी कि नहींपर ताक इंजेक्शन दिजाव। इंजेक्शन दबार अध घंटे पर आम ऑब्जर्वेशन रखू, ऑब्जर्वेशन रखापर किसी पार्श्व प्रतिक्रिया नाला आम छाड़ू कि अल्प किसी औषध दे कि छाड़ू कि नहीं। आम नॉर्मल कथा हो जो मैंने बसलू, पानी पीऊ,
कौन सी प्रकार किसी नहीं पूरा नॉर्मल माने जमी नॉर्मल प्रथम 15 मिनट तो खाली भितरे भितरे टिके टिके पोड़ा भाया लगू था टिके जमी नॉर्मल इंजेक्शन ना से रकम ना कि नॉर्मल किसी नहीं एक्स्ट्रा किसी नहीं एपर्तंत किसी आपनारे मुझे ढाई किसी नहीं ना एपर्तंत आम 20-25 जन भितर नहीं गले सब समस्ते सुस्थ अच्छा कह किसी असुविधा यहीटा को बर्तमान 12 बेले मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम प्रधानमंत्री तो आप देखिले कोरोना क्लीन हो निश्चय जदि आप समस्ते ने डरिकी ताले हम निश्चय टैबलेट तो एमती किसी खावा दरकार पड़ू ना निर्दिष्ट भाव में कि खाऊ या दरकार कहीं ना देखो आम स्वास्थ्यकर्मी हिसाब से आम जाचु विज्ञान विषय जाचु से लगी मुझे बर्तमान प्रथम आगे आसली मुझे जाणी यार गुणवत्ता विषय मत जना केमी यात प्रकार फेज व्वज से सब आसम पाक सब देखला मुझ कहीं डरबी तेणु मुझे आदर्श हिसाब से नहीं पारि प्रथम तेणु आपण मैंने समस्ते भी आगे आसबे से हिसाब से मुझे फास्ट नापी भी पचैली बर्तमान मुझे कह जो कोवैक्सीन भैक्सीन यह बहुत निरापद एवं एथर कौन पार्श्व प्रतिक्रिया बर्तमान सुधा ना कि आम जिते जन ने पाखे ना मुझा नर्माल फिल कर तेणु आपण मानक अनुरोध करी आ कौन प्रकार गुजब रे विश्वास करंतु नहीं जो मानकर पाळी जेतेले पड़िबो समस्त आगभर रहिके आसी नियंत टीकाकरण नहीं फीडबैक नेले मुख्यमंत्री प्रथम टीका नेथिबा सफाई कर्मचारी सहित कथा हेले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ब्रह्मपुर मेडिकल डाक्तर मध्य बखाणिले निजर अनुभूति कथा परे मुख्यमंत्री डाक्तर एवं स्वास्थ्यकर्मी सहयोग लोड़ी कहले दीर्घ 10 मास हेला एमाने संग्राम करुछन्ते एवं एमानकर त्याग केबे हेले भूलिबु नाही 2021 आम समस्त भल खबर नहीं आसी अपेक्षार आज अंत हो बहुत खुशी जे कोविड पाई आज थारू वैक्सीनेशन आरंभ है गत 10 मास धरी आमर कोविड संग्राम जारी रखी जीवन को बाजी लगाए सेवा करुछंती आपन मान को त्याग और सेवा को आमे केबे भूली पारिबु नाही आपन मान को पाई आमे गर्वित ए वर्ष पाई वैक्सीनेशन आमर सबुथरो बड़ो और गुरुत्वपूर्ण कार्यक्रम एथिरे मध्य मु आपन मान को सहयोग सेपटे आज देशवासी खुशीर दिन बोली कहले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रथम पर्यायर कोरोना योद्धा स्वास्थ्यकर्मी को टीका दिजा टीका प्रदान व्यवस्था समस्त गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही विश्व को कोरोना टीका प्रदान में भारत अग्रणी भूमिका ग्रहण करत कर केन्द्रमंत्री आज आम देश एक भल दिन विश्वर सबुठ बड़ टीकाकरण अभियान आज एबेठू अल्प समय परे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशरे आरंभ करिवे लोक कल्याण मार्गरु से 10:30 बेले विभिन्न राज्यर टीका दिया केन्द्र सह संपर्क रखिकी देश को संबोधित करिवे कोरोना वैक्सीन रो महामारी विश्वरे पखापाखी 1 वर्ष हैला तर तांडव करला विश्व जनता विशेष करके आम देशर नागरिक माने साहसर सह ताकु मुकाबिला करले आम समस्त मिसिकी विशेष करके कोरोना वारियर माने स्वास्थ्य सेवारे लागिथिबा बंधु माने आईन श्रृंखला को नियंत्रण करथुबा बंधु माने याकु संतुलित ढंग से लोकंकु पहुंचेबारे आपण माने तथा देशर समस्त नागरिक इतरे सहभागी हेले याकु परास्त करिवार सफल हेले ढेंकानाल भी आरंभ होई छि टीकाकरण जिल्लार 4टी स्थान जिला मुख्य चिकित्सालय काठगड़ा यूपीएचसी हिंदोल एसएचजी कामाख्यानगर सीएचसी रे आरंभ होई जाय छि टीकाकरण तबे प्रथम पर्यायर जिल्लार 7,729 जन स्वास्थ्यकर्मी एवं अंगनवाड़ी कर्मी कोवासिल्ड टीका नेबे तबे जिला मुख्य चिकित्सालय रे प्रस्तुति सहित व्यापक सुरक्षाकर्मी मुतन होईछंती जिल्ला रे आज मोट 464 स्वास्थ्य एवं अंगनवाड़ी कर्मी टीका नेबे।
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଟିକାକରଣ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 8566 ଜଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ବା କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ 7ଟି ବ୍ଲକରେ 44ଟି ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5500 ଟିକା ଆସିଛି, ତେଣୁ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ 3ଟି ସ୍ଥାନ କୁଆଁସ ପିପିସି, ବରପଦା ପିଏଚ୍ସି ଏବଂ ବାସୁଦେବପୁର ସିଏଚ୍ସିରେ ଟିକା ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 100 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯିବ, ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଟିକା ଦିଆଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ଟିକା ନେଲି। କୋଭିଡ଼ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଆଜି ଲଞ୍ଚିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା। ଆମର 3ଟି ସ୍ଥାନରେ କୋଭିଡ଼ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଲଞ୍ଚିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ବାସୁଦେବପୁର, ଆମର ପିପିସି କୁଆଁସ ଆଉ ବରପଦା ସିଏଚ୍ସିରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆମେ 100 100 କରିକି ବେନିଫିସିଆରିଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ନେଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲରେ ମେସେଜ ପଠାଇଛୁ, ଫୋନ୍ କଲ୍ ବି କରିଛୁ ସେମାନେ ଆସିକି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ ବୋଲି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କୋଭିଡ଼ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ୱେଟ୍ କରିଛି। ଅଧଘଣ୍ଟାର ଯେଉଁ ୱେଟିଂ ଟାଇମ୍ ଅଛି ସେ ଅଧଘଣ୍ଟାର ୱେଟିଂ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମର ଅବଜରଭେସନ ରୁମ୍, ୱେଟିଂ ରୁମ୍, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ରୁମ୍ ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ଥିଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ସେଭଳି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଟିକାକରଣ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଆଠଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଆଠଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋଟ 100 ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସାରା ଦେଶରେ ଆଜି ଟିକାକରଣ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରେ ବିରୋଧର ସ୍ୱର ଉଠିଛି। 44 ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମଙ୍ଗଳପୁର, ପିପିଲି, ପାନିଦୋଳ ଏବଂ ସାତଶଙ୍ଖ ସ୍ଥିତ 4ଗୋଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁର, କାମକନ୍ତିଆ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣପୁର ଆଦି 25ଗୋଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଟିକା ନେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମଙ୍ଗଳପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହିତ ପଦବୀର ପୁନର୍ଗଠନ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆମର 4ରୁ 5ଟି ଆମକୁ ମାନେ ପ୍ରମୋସନ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ 2ରେ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଛି ଡେଜିନେସନ ଯେଉଁଟା ଅଛି ହେଲ୍ଥ ୱର୍କର ମେଲ୍ ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ। ଆମେ ତ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଦାବି ମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ବି ସେ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମର କିଛି ହେଇପାରୁନି କି କଥା ଆମର କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପରିଧାନ କରିଛୁ। ଆମକୁ ସରକାର 4ରୁ 5ଟି ପ୍ରମୋସନ ଦେବେ, ଆମ କ୍ୟାଡର ରୁଲ୍ଟାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବେ, ଆମ ପଦବୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନ କରିବେ, ଆମର ମହାସଂଘର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ଆମେ 4ଟା ସଂଘ ଏକଜୁଟ ହୋଇସାରିଛୁ, 15,000 କର୍ମଚାରୀ ଆମେ ଟିକା ବର୍ଜନ କରିବୁ। ଆମର ମହିଳା ଆଉ ପୁରୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସଂଘ ଆଉ ମହିଳା ଆଉ ପୁରୁଷ ସୁପରଭାଇଜର ସଂଘ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, 4ଟା ସଂଘ ଆମେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛୁ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର 15,000 କର୍ମଚାରୀ ଆମେ ଟିକା ବର୍ଜନ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବିଡିଓ ଏବଂ ଜେଇ ନିଲମ୍ବିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ପାଇଖାନା ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବିଡିଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର ସିଂ ଏବଂ ଜେଇ ସୁନୀଲ ସାମଲ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଖୁଣ୍ଟାପୋଷି ଗାଁରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ନିଆଁ ଲାଗି 5 ବଖରା ଘର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ଆୟତ୍ତକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲା। ନୟାଗଡ଼ରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାଣୀଗୁଛା ପଶ୍ଚିମ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନ ବୁଗୁଡ଼ା କଲୋନୀ ଗାଁରେ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଖଳାରୁ ପ୍ରାୟ 300 ବିଡ଼ା ଧାନ ହାତୀ ଖାଇଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବନ ବିଭାଗ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବାଣୀଗୁଛା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି।
स्वास्थ्य विभाग रो अवहेला प्रतिवाद एने राज्य पुरुष एवं महिला बहुमुखी स्वास्थ्यकर्मी टीका नेबाकु मना करि दैछन्ती। स्वास्थ्य परिदर्शक मिलित महासंघर बौद्ध जिला शाखा पक्षरु जिला मुख्य चिकित्साधिकारी उद्देश्य रे एक दाबीपत्र प्रदान करा जैछि। पदक्षेप स्वरूप ए महासंघ अधीन स्वीकृति प्राप्त चारिटी वर्गर क्षेत्र कर्मचारी टीका ग्रहण करिबे नाही बोली जणा पड़िछि। तबे अपर पक्षरे टीकाकरण रे संपूर्ण सहयोग करिबे बोली दाबी पत्र रे से माने उल्लेख करिछन्ती। एने बौद्ध शाखार कर्मकर्ता माने मनमुंडा गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र अधिकारी को दाबी पत्र प्रदान करिछन्ती। चारि जण मिसिके एटा गोटे महासंघ गठन करलु, कारण सरकार जण जण को दाबी आरो थरो आमे 2 वर्ष हेला एटा दाबी पूर्ण देई आछु दाबी पत्र, किंतु सरकार आम कथा टोटल सुनिया को राजी नै। तेणु आम भाविलु जे एमती गोटे महासंघ करी सरकार को आम दाबीपत्र देवु। आम जेहेतु फिल्ड लेवल रे बहुत कष्ट करके कोविड टाइम रे आम कम करमर कथा जो सरकार नाई सुनला, तो से लगे सब दीदी मैंने चाहूँ कि जेहेतु आम चार्टा आमर जदि फुलफिल करदे ताहले आमे टीका नेमु, किंतु टीका नेबार नाही होला आमे टीका सहयोग करमु किंतु टीका नेमु नाही। जे पर्यंत सरकार आमर चारटा दाबी नाही सुनुचन से पर्यंत आमे टीका नेबु नाही। गंजाम पोलसरा ब्लॉक कणछाई पहाड़े अघटन, ट्राक्टर जोगे पथर आणुवा बेले पहाड़ उपर ट्राक्टर ओलटी जने श्रमिकों मृत्यु होतीसहित दुर्घटन आउ जने गुरुतर भाव में आहत होती से वर्तमान चिकित्सित। मृत व्यक्ति कणछाई गांव कालिया गौड़ गुरुतर अवस्था थिबा ढुंकापड़ा ग्रामर ड्राइवर कार्तिक नाहकंकु चिकित्सा पाई मेडिकल रे बुगुड़ा मेडिकल भर्ती करा जैछि। बुगुड़ा पोलसरा अंचल रे विभिन्न पहाड़ रु पत्थर चोरा चालन करा जौथवा बळे प्रशासन सबु जाने नीरव रहउथवा जोगु एभळी दुर्घटना घटथवा अभिजोग होइछि। मृतकंक परिवार को क्षतिपूरण देबाकु अंचलवासी दाबी करछन्ति। कमिश्नर को कमिशन खोर नीति सहर को स्वच्छ करने एणिकी आदाय हेबो टंका घर पिछा 30 टंका आदाय करिबो ब्रह्मपुर महानगर निगम। सहर रो सफेई पाई पहिलारु स्वच्छ सर्वेक्षण योजना नामरे लागू होईछि नुआ योजना, एणिकी आओ मागणा ओलिया आवर्जना संग्रह करिबो नाही ब्रह्मपुर महानगर निगम। कमिश्नर करो कमिशन खोर नीति सहर को स्वच्छ करिबा पाई एणिकी आदाय हेबो टंका घर पिछा 30 टंका आदाय करिबो ब्रह्मपुर महानगर निगम। नुआ वर्षर नुआ नियम सहरर सफेई पाई जनवरी पहिलारु स्वच्छ सर्वेक्षण योजना नामरे लागू होईछि नुआ योजना, एणिकी आउ मागणा अळिया आवर्जना संग्रह करिबनी ब्रह्मपुर महानगर निगम। प्रति परिवारु 30 टंका आदाय करिबा सह उठा दोकानीक ठारु आदाय कराजिबो 150 टंका, जहाँ को अंचलवासी घोर विरोध करिछन्ती। सहररे 1 लक्ष परिवार रहुथुवा बळे ब्रह्मपुर महानगर निगम एथिरु मासकु 30 लक्षरु ऊर्ध्व टंका आदाय करिवार योजना रहिछि। सेपरि नियमित फी न देले बीएमसी पक्षरु कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली चेतावनी दिया जायछि। नहीं, यूजर फीस जोटा अछि खाली 1 रुपया गोटे टंका प्रति हाउस होल्ड को प्रतिदिन को एते के देबार अछि, जेटा कि आमे आमे हमारा सैनिटेशन ये एक्टिविटीज और बढ़ावा पाई ताको सस्टेनेबल करेबा पाई एटा करा जाय छी। तो एटा राज्य सारा एटा एंटायर राज्य सारा होउ छी। बीएमसी रो एबली पदक्षेप को विरोध करछंती ब्रह्मपुर वासी। ब्रह्मपुर महानगर निगम रो 40 वार्ड रे प्राय 1 लक्ष ऊर्ध्व परिवार बसवास करंती। 40 वार्ड रो अलिया संग्रह पाई रही छी 40 टी अलिया संग्रह गाड़ी, एपर कि डंपिंग यार्ड मध्य नाही। तेबे आवश्यक भित्तिभूमि नथाई टंका आदाय नीति को निंदा करिछंती ब्रह्मपुर वासी। अन्य पक्ष रे सेमाने जनगण को लूट करिवार गुटे व्यवस्था मध्ये तयारी करछंती, जो 30 टंका आदाय करिके सेमाने देखा गले ब्रह्मपुर सहर रे 5 लक्ष लोकंकर नागरिकंकर सहर ये एवं एथिरे प्राय 1.5 लक्ष 2 लक्ष पाखा पाखी घर, एणु ए घर पिछा जदि से मासकु 30 टंका आदाय करंती एटा संपूर्ण भाबे गुटे हरिलूट योजना एवं हरिलूट करिवे एवं जो व्यवस्थाटा बीएमसी रो जो व्यवस्थाटा ए व्यवस्था को मध्ये माने घरै कंपनी हाथ को टेके द्वारा गुडा मसुदा मध्ये चालिछ, एहा को आमे संपूर्ण विरोध करछु। सफी नारे जुलम प्रति परिवार थारु टंका आदाय एणिकी उठा दोकानी को छाडिलानी ब्रह्मपुर महानगर निगम। तेबे महानगर निगम रो एभली निष्पत्ति को विभिन्न महलु नापसंद करा जैछि। ब्रह्मपुरु कैमरामैन सुबिंदु को सह पीतांबर नाहकों को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। समय छि बुलेटिन को इठो के बा विदाय दियंत, नमस्कार। Thank you.